सबसे तेज खबर साउथी चैनल में आपका स्वागत है। चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे हर खबर आपको सबसे पहले मिलती रहे। साउथी जनपद के इकोना इलाके में जिला अधिकारी टी के सिबू के निर्देश पर कृषि विभाग की टीम व उप जिला अधिकारी इकोना ने छापेमारी की। खाद एवं बीज की दुकानों पर छापामारी से इकोना कस्बे में हड़कंप मच गया। खाद और बीज की दुकान के दुकानदार अपने अपने प्रतिष्ठान बंद कर फरार हो गए। इकोना कस्बे का एक पूरा मामला, जहां पर कई दुकानों पर पहुंचकर टीम ने छापेमारी की। इस दौरान कई बीजों के नमूने भी लिए गए। पंतनगर का नाम जिला कृषि अधिकारी और कृषि टीम तथा उप जिला अधिकारी इकोना राजेश मिश्रा के नेतृत्व में ये छापेमारी की गई, जहां पर कई दुकानों पर पहुंचकर बीजों के सैंपल लिए गए तथा स्टाम्प लगाया गया। टीम ने घंटों दुकान में गहनता से जांच पड़ताल की और नमूनों को एकत्र किया। हेलो श्रवण, जल्दी आओ, जल्दी आओ। सावस्ती जनपद के इकोना कस्बे का ये पूरा मामला, जहां पर टीम ने इकोना कस्बे के विभिन्न दुकानों पर छापेमारी की। आज इकोना कस्बे में दोपहर बाद कृषि विभाग और उप जिला अधिकारी की टीम ने संयुक्त रूप से छापेमारी करते हुए कई दुकानों पर पहुंचकर बीजों के सैंपल लिए तथा स्टॉक रजिस्टर का मिलान किया। मामले की सूचना पाकर कस्बे के विभिन्न दुकानदारों ने अपने अपने प्रतिष्ठान बंद कर दिए और मौके से फरार हो गए। जो दुकानें खुली मिली वहां पर पहुंचकर टीम की तरफ से छापेमारी की गई और नमूने एकत्र किए गए। इस बारे में जिला कृषि अधिकारी से जब बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि जिला अधिकारी के निर्देश पर आज छापेमारी की गई है। जनपद श्रावस्ती में शासन के द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुसार आज दिनांक 25/11/2020 को इकोना विकास खंड में जिलाधिकारी महोदय के निर्देशानुसार उप जिलाधिकारी इकोना और मैं जिला कृषि अधिकारी श्रावस्ती के द्वारा विकास खंड इकोना में 12 दुकानों पर सैंपलिंग किया गया, जिसमें से जो भी संदिग्ध प्राप्त हुए उसमें से हमने 9 नमूने प्राप्त किए हैं और इसके बाद में 2 लाइसेंस निरस्त कर दिए गए हैं। पब्लिक निलंबन भी इसको किया जाता है, इसके बाद में निरस्त की प्रक्रिया है। आज जो पूरे जनपद में आज जो छापेमारी की जा रही है, इसकी रिपोर्टिंग जो है कि शासन को आज ही रात में भेज दी जाएगी। धन्यवाद।